जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं NHPC अप्रेंटिस ऑफलाइन फॉर्म 2019 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली NHPC ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें कि आपके ITI अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद निकाले हैं। और कितने पद है ये जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दी, पर जो सूत्रों से पता लगा है वो ये कि इसके अंदर जो आपके पद भरे जाएंगे वो 5000 से ज़्यादा होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसमें जो आपके पद भरे जाएंगे अप्रेंटिस के वो 5000 प्लस होंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है और आपको इस फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे और किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को भेजना होगा। आपके जितने भी सवाल हैं इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ITI अप्रेंटिस और डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अलग अलग फॉर्म है। अगर आप ITI अप्रेंटिस के लिए इस फॉर्म को भरना चाह रहे हो तो आप अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो आपको ये फॉर्म भरना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो, नीचे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी देख रहे हो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके भेजना होगा। मैं आपको वन बाय वन दोनों फॉर्म किस तरह से भरने हैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ITI अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे भरना है ये बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि इसमें ITI अप्रेंटिस और डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर आवेदन करने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी मांगी है और साथ ही क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाला है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो वॉच कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है, जो कि है आपका ITI अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले दिया है नोटिफिकेशन नंबर एंड डेट, यानी कि इस नोटिफिकेशन का नंबर क्या है और डेट क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। तो आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जिस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर। अब दोस्तों ये क्या है अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं आपको बता दूं कि नीचे इन्होंने दिया है जनरेटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एट, यानी कि आपको apprentice.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अब आप इस वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आप यहां पर देख सकते हो, यही वो वेबसाइट है और इसके ऊपर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, जिसमें कि मैंने आपको हाल अप्रेंटिस का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है उसमें बताया था। क्योंकि जितने भी अप्रेंटिस की भर्ती आती है सभी में अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो इसके बारे में वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है उस वीडियो को वॉच करना है और वॉच करने के बाद इसमें आपको जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है सिर्फ इतना देखना है। देखने के बाद जब आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो आपको यहां पर आना है और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पर आपको देना होगा। अब ये डालने के बाद आप यहां पर देखोगे ट्रेड ऑफ विच अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि आप कौन से ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हो। आप इस नोटिफिकेशन में ऊपर चेक कर सकते हो कि किस ट्रेड के लिए ये अप्रेंटिसशिप की जॉब निकाली है। अब आता है नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम देना होगा जो कि बड़े अक्षरों के अंदर होना चाहिए और ये नेम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरा जाएगा। इसके बाद आता है जेंडर, आपका जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पर भर देना है, मेल या फिर फीमेल। इसके बाद है मैरिटियल स्टेटस, यानी कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप अनमैरिड हो या जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फादर्स नेम, यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम देना होगा और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार नाम भरना है। कोरस्पोंडस एड्रेस, यानी कि आपका प्रजेंट एड्रेस जो कि आपका बड़े अक्षरों के अंदर होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर लिखा है बॉक्स के कि इन ब्लॉक लेटर, तो आपको बड़े अक्षरों के अंदर देना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है पूरी जानकारी दे देनी है। इसके बाद जो भी आपका पिन है वो पिन यहाँ पर आपको दे देना है, पोस्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट। ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर आपको देनी होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता क्या है, तो यहाँ पर आपको इंडियन लिख देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आपकी जो आपकी निवास प्रमाण पत्र है वो कौन से स्टेट का है, तो यहाँ पर आपको अपना उस स्टेट का नाम लिख देना है जिस स्टेट से आप इसमें आवेदन कर रहे हो या फिर जिस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है।
कैटेगरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी अपनी कैटेगरी देनी होगी, आप एससी एसटी जनरल या ओबीसी से हो तो पहले तो आपको जिस भी कैटेगरी से हो उसके ऊपर चेक मार्क कर देना है और साथ ही उसके सामने आपको अपनी कैटेगरी लिख देनी है। मैं आपको बता दूँ जो लोग एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। अब आता है एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी अब आपको यहाँ पर देनी होगी। एग्जामिनेशन पास्ट लेटेस्ट फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो दसवीं की जानकारी देनी है क्योंकि इसमें आवेदन करने के लिए आपसे दसवीं पास, साथ ही जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड में आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए। तो यहां पर आपको दसवीं लिखना है, यानी कि एसएससी या फिर मैट्रिकुलेशन भी आप लिख सकते हो। इसके सामने नेम ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट बोर्ड, यानी कि कहां से आपने अपनी दसवीं पास की है, चाहे तो आप यहां पर अपने स्कूल का नाम दे सकते हो या फिर अपने बोर्ड का नाम दे सकते हो, जैसे कि यूपी बोर्ड। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस साल के अंदर अपनी दसवीं पास की है वो साल आपको यहां पर भर देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपके दसवीं में कितने परसेंटेज आए थे वो ईयर यहाँ सॉरी में परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आती है आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आप आईटीआई लिख सकते हो, उसके सामने आपने किस इंस्टीट्यूट से अपनी आईटीआई की है उसका नाम देना है, किस ईयर के अंदर आपने अपनी आईटीआई पास की है वो ईयर डाल देना है और आपकी कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। अगर आपके मार्क्स सीजीपीए के अंदर थे तो आप वो भी डाल सकते हो, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और तीसरी अदर क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी तीसरे बॉक्स के अंदर दे सकते हो। अब दोस्तों आता है 13 पॉइंट, वेदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टेकन अर्लर, क्या आपने पहले भी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ली है, अगर ली है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इफ़ यस प्लीज़ गिव डिटेल, अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी होगी जो कि आप यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में दे सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद आधार नंबर, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर देना होगा। 15 आता है नंबर ऑफ इनक्लोजर्स, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच करने वाले हो उनकी जानकारी आपको यहाँ पर एक एक करके देनी है। इसका ये फायदा होता है कि अगर जैसे आप फॉर्म सेंड कर देते हो तो उसके बाद अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो उनके पास नहीं पहुंच पाता किसी भी कारण से, तो फिर यहां पर वो देख लेते हैं कि हाँ आपने ये डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच किए थे पर हमारे पास इतने पहुंचे, तो वहां पर फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं पाई जाती। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बेसिकली अटैच करने हैं, पर उसके पहले आप यहां पर डेट डाल दीजिए कि किस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हो। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट इन फुल, यानी कि यहां पर आपको अपने सिग्नेचर डालने होंगे और साथ ही यहां पर आपको फिर से डेट डालनी होगी। अब मैं यहां पर आपको इस नोटिफिकेशन में ऊपर लेकर के चलता हूं और पहले तो आपको बताता हूं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भेजना है और कहां पर भेजना है। तो यहां पर दिया है द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नीटली टाइप्ड इन डबल स्पेस ऑन ए फोर साइज पेपर, यानी कि आपका जो लिफाफा हो वो ए फोर साइज का हो, सॉरी ये जो आपका पेपर है वो ए फोर साइज का होना चाहिए। शुड बी रीच टू दी सीनियर मैनेजर एच आर एन एच पी सी लिमिटेड लोटक पावर स्टेशन कॉम कायरैप, आपको इस एड्रेस के ऊपर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना होगा जो कि आप यहां पर देख सकते हो। बिफोर क्लोजिंग ऑफ ऑफिस ओवर, यानी कि आपको 9 नवंबर 2019 से पहले इस फॉर्म को भेजना है और जो ऑफिस ओवर होते हैं शाम 5 बजे से पहले आपको ये फॉर्म वहां पर भेज देना है। थ्रू इंडियन पोस्ट ओनली, और ये सिर्फ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है ये सिर्फ इंडियन पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ऑफिस क्लोजिंग होवर्स ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद पहुंचता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब मैं यहां पर दोस्तों आपको बताता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली इसमें अटैच करने होंगे। तो यहां पर दिया है डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लोज्ड, तो पहला तो है आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन ऑफ एज एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि यहां पर आपको जो आपने खुद अटेस्ट की हो एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जो कि उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा डोमोसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तीसरा आता है ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द गैजेटेड ऑफिसर, यहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके बाद आता है एस सी एस टी एप्लीकेंट शुड अटैच दी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एस सी एस टी ओबीसी से नहीं मांगा है सिर्फ एस सी एस टी से मांगा है, उनको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा जो कि इश्यूड बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया गया हो। अब आते हैं फिफ्थ में, वन पासपोर्ट रिसेंट पास फोटोग्राफ साइंड बाय द कैंडिडेट ऑन टॉप ऑफ द फोटोग्राफ सेल बी अफिक्स्ड इन द स्पेस एज शोन इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पर आप
आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। अफिक्स सेल्फ साइंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि यहाँ पर आपको अपना एक फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर आपको सिग्नेचर भी करने होंगे। और इसके अलावा जो आपके अन्य जानकारी है वो है आपका टू सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप्स साइज 10x8 ईच अफिक्स्ड विद रुपेट 45 पोस्टल स्टाम्प, यानी कि आपको दो सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप लेने हैं, यानी कि खुद उन पर आपको एड्रेस लिखना है जिनका साइज 10x8 होना चाहिए और प्रत्येक के ऊपर ₹45 का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए। और दोस्तों यही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, आप इसको मान सकते हो। वैसे इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बस यही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। आपको दो सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप लेने हैं और उसमें आपको 45 के पोस्टल स्टाम्प लगाने हैं दोनों पर अलग अलग, और ये आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से भर देना है। अब दोस्तों आपका दूसरा जो पोस्ट है ये है आपकी ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस की, इसमें भी आपका सेम एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इसमें भी कोई ऑप्शन अलग नहीं है। बस जो अलग है वो है आपका एनरोलमेंट नंबर, जो कि आपको NATS पोर्टल यानी कि MHRD की वेबसाइट के ऊपर करना होगा, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। इसके इस वेबसाइट के ऊपर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको नंबर मिलेगा, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको ये वीडियो वॉच कर लेनी है अगर आप डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। और दोस्तों जैसे ही आपको आपका नंबर मिल जाए तो यहाँ पर आपको आना है और आने के बाद वो एनरोलमेंट नंबर दे देना है। इसके बाद है डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा, यानी कि आप कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो, या फिर डिग्री से अप्लाई कर रहे हो या डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको दे देना है कि मैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस से अप्लाई कर रहा हूँ या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस से अप्लाई कर रहा हूँ। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, जेंडर देना है, मैरिटल स्टेटस देना है, फादर्स नेम देना है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरना है, फिर इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं, और जो आप ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा की जानकारी देना चाहते हो यहाँ पर आपको भरनी होगी, और अन्य जानकारी सेम रहने वाली है। और जो आपको पोस्टल स्टाम्प या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी इसमें आपको सेम तरीके से अटैच करने होंगे। आप यहाँ पर पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, जो कि मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है, ITI अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे भरना है और ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे भरना है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपसे इस फॉर्म के अंदर कहीं पर कोई भी मिस्टेक ना हो और आप इस फॉर्म को मिस्टेक फ्री भर के सेंड कर दें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।